आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज से पहले पूरे YouTube पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्या हो यार कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ पता चल जाए जिसके पता लगने के बाद जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो आप चेकर को बता रहे हो कि आपको इस आंसर के लिए कितने मार्क्स चाहिए। क्या हो अगर आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसके बाद जब आप घर आए एग्जाम देकर तो आपको पता हो कि आज के पेपर में मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अब वो दिन गया यार जब हम बात करते थे कि लॉन्ग आंसर कितने पेज के हमें लिखना है, शॉर्ट आंसर हमें कितने पेज के लिखना है, ऐसे फालतू डिस्कशन हम करते थे। इस कोर्स के बाद जो आज मैं लेकर आ गया हूँ, ये पूरे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपके दिमाग में सिर्फ और एक थॉट होगा यार कि कोई बस ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग मुझसे बनती है, मेरे मार्क्स नहीं कट सकते। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार आंसर मुझे पॉइंट्स में लिखना है, पैरा में लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, पॉइंट्स में सब हेडिंग देना है कि नहीं देना है। ये सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे इस कोर्स में यार। एक एक चीज हमने कवर कर दी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। एक सबसे बड़ी गलती हजारों स्टूडेंट्स ये करते हैं यार, आप अभी से इतनी सारी क्लासेस में एग्जाम देके आ रहे हैं, अभी आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो गए होंगे, प्री बोर्ड 1 हो गया होगा, कुछ स्कूल में 2 हो गए, इनफैक्ट कुछ स्कूल में 3 प्री बोर्ड भी करा दिए गए। उसमें बच्चे क्या करते हैं, 80-100% के बीच में ले आते हैं और उन्हें ये लग रहा होता है कि भाई उनका बोर्ड एग्जाम तो सेट है, मतलब कोई भी कमी नहीं है उनके अंदर, वो सब कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं जो प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं और बोर्ड में एकदम उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो प्री बोर्ड में स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन बोर्ड में वो टॉपर बन जाता है। और ये एक सिंपल चीज यार जो एक टॉपर बनाती है, वो है आंसर राइटिंग। देखिए आप कितनी भी अच्छे से सिलेबस कर लें, सब कुछ आपसे बन रहा हो, लेकिन जो यहाँ पर है अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो सामने वाला कैसे समझेगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब एक चेकर चेक करता है ना तो उसको एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको देखकर वो आपको मार्क्स दे रहा होता है। तो ऐसे समय में अगर आपसे आंसर फ्रेमिंग नहीं बन रही, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको अपना सिलेबस कितने अच्छे से ना बनता हो, आप बोर्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम एक कोर्स लेकर आ गए हैं जहाँ पर हम पूरी यही बात कर रहे होंगे कि आंसर फ्रेमिंग को सही कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किया सीधे पूरी कोर्स की बात कर लेते हैं। ये अप्रॉक्स 50 मिनट का कोर्स हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको हम बस्ट कर रहे होंगे, उसके बाद हम सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहे होंगे कि आप, जी हाँ इसको अच्छे से सुनिए, कि आप चेकर को बता रहे होंगे कि मुझे अपने एक आंसर के लिए कितने मार्क्स चाहिए। फिर उसके बाद 1 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स तक के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनकी आंसर फ्रेमिंग हम सीख रहे होंगे। आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जा रहा होगा कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं, और उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन की भी हम बात कर रहे होंगे कि आंसर शीट को अच्छे से आप कैसे क्या सब लिख सकते हैं। मतलब देखिए सबसे बड़ी एक गलती हमसे ये हो जाती है यार कि हम आंसर फ्रेमिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है दिमाग घूम चुका होता है, आंसर बन रहा होता है क्योंकि हमने अपना सिलेबस किया है, लेकिन इस आंसर को फ्रेम कैसे करना है वो हमसे नहीं बन रहा होता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप इस कोर्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से ड्रीम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके लिए लिंक डाल रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें साइनअप करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा कोर्स देखने को मिलने वाला है। या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप वापस डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं और यहाँ पर कोर्स के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स हम ड्रीम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये आपको कोर्स जो है उनकी एप्लीकेशन में देखने को मिलने वाला है। और रही बात एप्लीकेशन की, तो वो गूगल वेरीफाइड है तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू ही नहीं है। ये कोर्स पेड होने वाला है, कोर्स की प्राइस 2000 रुपये नहीं है, कोर्स की प्राइस 1000 रुपये नहीं है। ये जो कोर्स है भाई स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। जी हाँ आपने सही सुना, 100 बच्चों को 99 रुपीज़ में कोर्स आपको मिलेगा। उसके बाद जो अगले 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको यही कोर्स 199 का मिलने वाला है, और इसके बाद इस कोर्स की वैल्यू 300-500 रुपये के बीच में रहने वाली है, क्योंकि कोर्स भाई एक बहुत शानदार कोर्स है, एकदम अंडर वैल्यू हमने आपके लिए कर दिया है। हमारा एक सिंपल सा एम था भाई कि कोर्स की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि हर कोई अफोर्ड कर सके, तो भाई कोर्स की अब जो वैल्यू हमने रख दी यार, इतने पैसे तो हम अपने कैफे वगैरह में उड़ा कर आ जाते हैं। आखिरी में यार बस आपसे मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4-3 महीने की रिसर्च करके हमने कोर्स आपके लिए बिल्कुल एंड मोमेंट पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यही एक समय है जब आपको एक कोर्स देखना चाहिए। आप जब इस कोर्स को देख लेंगे तो अंदर से एक आवाज़ आएगी यार कि अब मेरा सब कुछ
हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक मिलेगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं, हम बिल्कुल आपको वहाँ पर एक रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको पूरा सॉल्व कर देंगे हम। और आखिरी में बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इस कोर्स को बनाने में दो बंदों की मेहनत लगी है, एक है आपके गुरु भैया और एक है उनके जुड़वा भाई देव भैया, और ये दोनों वो बंदे हैं यार जिनके बोर्ड एग्जाम में आंसर फ्रेमिंग में एक मार्क भी नहीं कटा। जाइए कोर्स परचेज कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस में, और फंसना पक्का है सीरीज तो आ ही रही है।